कितने लोग खुला हुआ आसमान के नीचे चलना चाहते हैं? yes. यानी आशीष की बारिश आवे। तो हम देखेंगे स्वर्गीय पोर्टल द्वार कैसे खुलता है। ओके, प्रेरितों के काम 10:4। उसने उसे ध्यान से देखा। किसने ध्यान से देखा? कॉर्नेलियस ने, नियम का है। स्वर्गदूत उसके सामने आया, उसे उसने ध्यान से देखकर डर कर कहा, ए प्रभु क्या है? उसने उसे कहा। किसने किसे कहा? यहाँ पर कुरूप कह रहा है हमसे। कुरूप क्या कह रहे हैं? तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। वाह, दो चीज से आपका पोर्टल खुलता है, एक है दान, दूसरा है प्रार्थना। परमेश्वर बोल रहा है, कुरूप यहां पर उससे बात कर रहा है, वो बोल रहा है कि तेरा क्या, तेरे प्रार्थनाएं और दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। परमेश्वर के पास क्या किया? पहुंचे हैं। किसने वो प्रार्थना किया, उसका दान जो दिया, किसने परमेश्वर के पास पहुंचाया? कुरूप। एंड ही ओपन द पोर्टल, और उसने वो द्वार को खोल दिया। Amen. उसका मतलब जब आप देता है द्वार खुल जाता है आपके लिए। Amen. द्वार के साथ आप जब दे रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु जी मैं तेरे राज्य में बो रहा हूं, किसी मनुष्य को नहीं दे रहा है, कोई व्यक्ति को नहीं दे रहा है, मैं तेरे हाथ में दे रहा हूं। जब आप जाओ यू प्रार्थना कर रहा है, स्वर्ग का पोर्टल खुल जाता है। स्मरण के रूप में कुनलियो जो दे रहा था, आपको मालूम है एक भयानक बात है, वो आदमी विश्वासी नहीं है, इज नॉट अ बिलीवर। विश्वासी मैं देगा क्यों देना है, मैं तो दिया था ना। अरे भाई वो विश्वासी नहीं है, अन्य जाति का है वो। He doesn't know. फिर भी प्रभु को जब दे रहा है, वो जानता नहीं कहां देने के लिए, उसको भी मालूम नहीं है, वो दे रहा है। प्रभु बोलता है तेरा प्रार्थना स्मरण मेरे पास पहुंच गया। अभी वैसा है विश्वासी, तू जब देता है स्वर्ग का पोर्टल तेरे लिए खुल जाता है। अब खुला नहीं, क्यों नहीं खुला? क्योंकि तेरा दिल साफ नहीं है। मैंने उसको दिया, ये कर लिया। आपको बोले मैं पहला बाइक जब मैंने दिया था, मुझे आज भी याद है वो दिन। बाइक देके मैं देने जा रहा, अंदर में गड़बड़ चल रहा है यार, क्योंकि जॉब को रिजाइन मार रहा है। अबे बाइक देगा तो आगे चलेगा कैसे? मैं सोच रहा साइक को, बाइक को बेच के टांट टूंट के खाएगा भाई। प्रभु बोलते नहीं, उसको बेचना नहीं, जा उस व्यक्ति को जाके दे, स्पिन क्रिकेटा उसको जाके दे। मैं दिया, मेरा आंख में भर गया था जब मैं जाके दिया। उसके बाद बोल रहा, वो मुझसे बोल रहा था कि मैं ये प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल करेगा। वो बंदा आंसुओं से भर गया, साइकिल में चलता था, जिंदगी में पहली बार वो बाइक में बैठ रहा है और मुझसे बोल रहा मैं इसको प्रभु के राज्य के लिए खर्चा करेगा। मैं बोला मुझे मालूम नहीं, तू राज्य के लिए खर्चा करो, तेरे के लिए खर्चा करो, पत्नी के लिए खर्चा करो, मुझे कुछ मालूम नहीं है, ये मेरा बीज है। और मैं देख कर निकल गया, मैं आंसू से भर गया, मेरे पास बाइक नहीं बचा, 13,000 से 3,000 बाकी था, उससे निकला था। पोर्टल खुल गया। तेरी प्रार्थना और तेरा दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचा, लेकिन पहुंचाया कौन? कुरूप खोल दिया। wow. उतर कर आ गया, सामने खड़ा हो गया, एक घबरा गया, यार ये किसको देख रहा है? कुरूप के, अब कुरूप को देखेगा घबरा जाएंगे भाई, ये अलग है, सामने खड़ो, बाप बाप गया, भयानक। जब आप पुराना नियम को पढ़ेगा, हर पुराना नियम का विश्वासी बेदी बनाता था, उस पर भेंट चढ़ाता था, और वो उसके सुगंध जो है प्रभु के पास जाता था, वेदी बनाता था, उसके ऊपर बलि चढ़ाता था, उसके सुगंध परमेश्वर के पास जाता था, और उनके लिए पोर्टल खुल जाता था। इब्राहिम को देखो, नूह को देखो, आइजक को देखो, याकूब को देखो। सबसे पहले नूह को देखेंगे, उत्पत्ति 8:20। हाँ, तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। ये कब हुआ? बारिश 40 दिन होने के बाद जैसे बाहर आया, वेदी बनाया और उस वेदी को चढ़ाया, भेंट चढ़ाया। और बाइबल बोल रहा है क्या हुआ? सब शुद्ध पशु और शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर क्या किया? वेदी पर होम बलि चढ़ाया, बलि वेदी पर होम बलि चढ़ाया। उत्पत्ति 8:21। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा। यानी जो वेदी पर चढ़ाया, पोर्टल खुल गया, परमेश्वर के पास पहुंच रहा है। इस सुगंध को लेके पहुंचाया कौन? कुरूप। अब देखो परमेश्वर उस सुगंध को उनके नोस्ट्रल में, नथनों में पाकर क्या बोल रहा है? मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप न दूंगा। नूह के कारण, wow.
मैं कभी भी भूमि को क्या नहीं दूंगा, शाप न दूंगा। बोलो, आपकी प्रार्थना, आपका दान सुगंध की तरह प्रभु के पास जाता है। ओके, आगे पढ़ेंगे इब्राहिम के बारे, उत्पत्ति 12:8। फिर वहां से आगे बढ़कर वह उस पहाड़ पर आया जो बेतेल के पूर्व की ओर है, और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया जिसके पश्चिम की ओर तो बेतेल और पूर्व की ओर ए है। वहां भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई, वहां भी उसने यहोवा के लिए वेदी बनाई, यानी भेंट चढ़ाया, वेदी बना के भेंट चढ़ाया। और क्या किया? और यहोवा से प्रार्थना की। दो चीज, वेदी, ऑफरिंग, प्रार्थना। और क्या हुआ? स्वर्ग खुल गया उसके लिए। इतना तक वो भेंट देने के लिए तयार था, अपने बेटे को भी चढ़ा दिया। उत्पत्ति 22:5। और उसने अपने सेवकों से कहा, उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यही ठहरे रहो, गधे के पास यहाँ पर ठहरे रहो, यह लड़का और मैं, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके यानी आराधना करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। दंडवत करना, अभी बेली पर जो भेंट चढ़ा रहा है इसका दिल का टुकड़ा को चढ़ा रहा है, बोल रहा कि मैं चढ़ा कर क्या करूंगा, आराधना कर। उसका मतलब आपका भेंट जो है आपकी आराधना होना चाहिए। जब आप प्रभु को दे रहे हैं आप यूं दिल से देना चाहिए, प्रभु तूने जो मेरे लिए किया मैं दिल से तुझे चढ़ा रहा हूं, तूने जो दिया उसमें से मैं तुझे दे रहा हूं। ऐसे प्रार्थना करेगा स्वर्ग का पोर्टल खुल जाएगा, तेरे लिए आशीष बरसने लग जाएगा। ऐसा क्या किया? उत्पत्ति 26:25। तभी इज़ाक ने वहां एक वेदी बनाई, वेदी बनाया, भेंट चढ़ाया और यहोवा से प्रार्थना किया और अपना तंबू वही खड़ा किया, और वहां इसाक के दासों ने एक कुआं खोदा, भेंट चढ़ाया, वेदी बनाया, भेंट चढ़ाया, प्रार्थना की, प्रभु स्वर्ग के द्वार को खोल दिया। उत्पत्ति 35:1। तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहाँ से निकलकर बेतेल को जा और वहीं रहे, वहां रहे और वहां परमेश्वर के लिए वेदी बना, वहां परमेश्वर के लिए वेदी बना। सुनो, आप जो देते हैं वो आपका वेदी है, आप जो प्रभु के राज्य में चढ़ा रहे हैं वो आपकी वेदी है। सात साल हो गए शादी होके, हाँ बच्चे नहीं है। ओके, सारे ट्रीटमेंट कराया, IVF भी कराया, IVF भी करवाया, IUI भी कराया, कल परसों IUD हुआ है, सब कुछ हुआ, नहीं हुआ है। 7 साल से हम लोग दवा खाना जा के चक्कर काट के, बायोप्सी का रिपोर्ट भी करवाया वो भी 0-0 है। आमेन। आपके गोद में मैं एक लड़की को देख रहा हूँ। आमेन, आमेन। आप खुशी से नाचा है, आप है ना, अगले साल आपके गोद में बेटी को लेकर नाचेंगे। धन्यवाद पापा, धन्यवाद। वो कोई जाति धर्म को नहीं देखता, वो आपकी जिंदगी बदल डाला, आपके आंसुओं को बदल डाला वो। धन्यवाद पापा। कोई पैसा नहीं लगेगा यहाँ पर, आमीन, उसने आपको दिया है। धन्यवाद पापा। हालेलुया, खुशी से जाओ, आनंद मनाओ, आज से सबको जाके बोलो मेरा हो गया बच्ची, लड़की हुआ। क्या नाम रखेगा लड़की का? सोचा नहीं अभी। सोचा नहीं आप बोल रहे। प्रभु आपसे खुश है और आपको दे दिया। हालेलुया, आपका उस लड़की का नाम मैं रखूंगा। धन्यवाद पापा, धन्यवाद पापा, धन्यवाद पापा, धन्यवाद। प्रेम जी, ये कपल से जोड़ा जो है 21 तारीख को आए थे, 2021 में 21 तारीख को संडे को यहाँ पर आए थे, और ये कह रहे थे कि ये हॉस्पिटल में थे जो मतलब इलाज कराने के लिए, क्योंकि इनको 7 साल से बच्चा नहीं है, तो इलाज कराने के लिए तरह तरह के हॉस्पिटल में गए, IVF कराए, बहुत सारे टेस्ट कराए, लेकिन सब फेल हुए। और एक हॉस्पिटल में गए तो वहाँ पर एक लेडीज़ उनको मिले हॉस्पिटल में, बोले मैं बोलती हूँ वहाँ पर चलो, प्रभु आपको वहाँ पर संतान देगा, ऐसा कहकर ये कपल पहली बार इस कलीसिया में आए थे और यहाँ पर खड़े थे, और आपने इनके लिए भविष्यवाणी किया और आपने क्लियरली बोला, लड़का भी ने क्लियरली बोला कि आपके गोद में मैं बेटी को देख रहा हूँ। हालेलुया, आपके गोद में मैं एक लड़की को देख रहा हूँ। आमीन, आमीन। और आपने क्लियरली बोला कि अगले साल आपको प्रभु बेटी देगा, और आपने ये भी कहा कि बेटी का नाम भी मैं रखने वाला हूँ। हालेलुया, आप खुशी से नाचा है, आप है ना, अगले साल आपके गोद में बेटी को लेकर नाचेंगे। धन्यवाद पापा, धन्यवाद। खुशी से जाओ, आनंद मनाओ, आज से सबको जाके बोलो मेरा हो गया बच्ची, लड़की हुआ। क्या नाम रखेगा लड़की का?
सोचा नहीं अभी। सोचा नहीं आप बोल रहे। प्रभु आपसे खुश है और आपको दे दिया। हालेलुया। आपका उस लड़के का नाम मैं रखूंगा। धन्यवाद पापा, धन्यवाद पापा। आज और आज ये कपल्स, मतलब वही कपल्स है, कोई डुप्लीकेट नहीं है, वही कपल्स है, आज अपने हाथ में बेटी होने का। ये बहन को जब मेरे सामने खड़ा था, यू नो, आप एकदम अलग कपड़ा पहना था, कुछ यू नो बहुत एकदम सुखा हुआ था, निराश में था, आज वो चेहरा बदल गया इनका। और मैं डॉक्टर बोला कि नहीं होगा, सारा चीज कराया नहीं होगा, सब कुछ 7 साल तक क्या क्या किया होगा उन्हीं को मालूम है, क्या क्या किया भाई प्रोडक्शन के लिए, क्या क्या किया इन्होंने भाई, सब कुछ करके थक गया। उसके बाद अब सोचो, जरा सोचो, सोचो चमत्कार को सोचो भाई। कभी कभी आप लोग यू ही देख के निकल जाते हैं। सोचो कि मेरे आँख इसके कोक के अंदर चला गया, कोक के अंदर ये निकलने से पहले इसको मैंने देख लिया। और मैंने बोला लड़की होगा, और उस चीज को डैडी ने पकड़ लिया कि मेरे दास ने बोला लड़की होगा। और कह रही कि इनके इलाज के लिए बेटा होने के लिए 2 से 2.5 लाख तक खर्चा भी किया। IVF करा, यानी न जाने कौन सा टेस्ट कराया, फिर भी सब फेल हो गए। प्रिजम उन्हीं के मुंह से सुनेंगे, सिस्टर के मुंह से कि क्या क्या मतलब कराया था, आपके गवाही बताएंगे। मैंने IVF करवाया 2 बार, तो IUI करवाया, बहुत सारे हॉस्पिटल में दौड़ी, ऐसे बहुत दवाई वगैरह किया। फिर मेरे को वो भाभी मिली, बोले आप किधर भी मत जाओ, आप मेरे साथ चलो एक बार, आप वो प्रभु आपको गोद भरेगा। फिर मैंने थोड़ा थोड़ा, फर्स्ट बार आई तब मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जैसे मैं घर गई ना, जैसे मैंने यूट्यूब पर सब चैनलों से देखा, फिर धीरे धीरे मुझे विश्वास होने लगा। फिर मैं ऐसे गाँव चली गई, उसके बाद जैसे सोचा कि मुझे ऐसे पीरियड्स नहीं आए, फिर रुक गया, तो फिर सोचा मेरा प्रभु ने बात सुन ली। उसके बाद फिर एक बार और नोटिस किया मैंने। नहीं, एक मिनट, कौन से प्रभु ने बात सुनी? प्रभु के लिए जियो, यीशु को आपने जान लिया कि वही जिंदा, देखो हंस रहा आपका बेटी, उसके लिए जियो, अपना जीवन उसके हाथ में दो, वो जिंदा खुदा है, और भी कार्य आपके जीवन में करेगा। आमेन, आमेन। आप जो कर रहे हैं बिजनेस उसको भी बढ़ाएगा, जो भी चीज आप हाथ लाएगा सारे चीज में आप बढ़ने लग जाएगा, आशीष पाने लगेगा, वो जिंदा खुदा है। आमेन, आमेन। आपको वो आशीषों से देगा। आमेन। मैं एक नाम को देख रहा हूँ, राजेश राज, राजेश या राज, राजू इस तरह का, राज राजू इस तरह का नाम एक देख रहा हूँ मैं। प्रभु, प्रभु छू रहा है, प्रभु इस वक्त अद्भुत कार्य कर रहा है। This is super 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 natural. ये बहन यहाँ पर खड़ी है, उनके भाई का नाम राजेंद्र। कौन मुझसे बात कर रहा है? यीशु। आप समय कभी मिला है, बैठ के बात किया, आपका परिवार के बारे कुछ पूछा है, मिला है? कौन बता रहा है? यीशु। हाँ, यीशु, यीशु। Thank you Lord, thank you Lord. आपके परिवार में किसके पाँव में प्रभु छूकर चंगाई दे रहा है? Go deeper, sir. You know, किसी के पाँव को छूकर प्रभु चंगाई दे रहा है? Wow. चंगाई मतलब ठीक कर रहा है, ठीक कर रहा है, ठीक है। किसके पाँव को छू रहा है? मैं देख रहा हूँ पाँव को देख रहा है। आपके परिवार में किसी को पाँव को छूकर प्रभु चंगाई दे रहा है? Prophesy, sir. Hallelujah. Hallelujah. Praise you. सचमुच में अद्भुत है। ये सिस्टर की नानी है जो 3-4 साल से चल नहीं पाती है, और वो ही परमेश्वर ने आपको बताया कि इनके परिवार में किसी को पैर की समस्या है। देखो बाइबल कहती है तू विश्वास करेगा तेरा घराना उद्धार पाएगा। आमेन, आमेन। कितने लोग सुन रहे मेरी बात? आमेन। खाली बच्चे नहीं, और भी आशीष पाएंगे। आमेन। आपके कई सारे यू नो द्वार को प्रभु खोल देंगे। Amen. Amazing. प्रभु आपको बढ़ाने वाले हैं। Wow. Amen. आपके लोगों के बीच में प्रभु आपको एक नाम देगा और आपको बढ़ाएगा। Amen. Hallelujah. सुन रहे मेरी बात? आपके लोगों के बीच में बड़ा कार्य करेगा, रास्ता खोलेगा, बिजनेस के द्वार खोल रहा है। प्रभु के राज में बने रहो।
તમે પણ છોરા કરી આવો તમે તમારી જગ્યાએ રહો તો પોતાની જગ્યા પર રહો Look at that.